तो दोस्तों आज वाले वीडियो में बहुत मजा आने वाला है। उससे पहले ना, सबसे पहले वीडियो देखने से पहले अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करो, और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर दो, 2 मिलियन झटपट कर दो जल्दी से। सबके फोन ले लो, रिश्तेदारों के चाचा मामा पापा मामी सबके, पड़ोसियों के भी। बस स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो फ्रंट से कुछ ऐसा लुक हो गया था इसका, सारे फैल है इसका, सब फैल है। मैंने काला एलोय कसम खा के बताया बात, कहीं सोच रहे मैं बुलवा रहा हूँ वीडियो में, कहता है बता बता जल्दी कैमरा बता। वहाँ तो कुछ भी नहीं था, यहाँ है रियर, मतलब कैसी लग रही है भाई? ब्यूटी। पप्पी ले ले इसकी, टायर होगी जल्दी से भाई, प्लीज। नमस्ते, राम राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, कैसे दोस्तों? मैं आपका अपना अमित पंघाल आपके पंघाल फिटनेस पे। तो दोस्तों अभी ना आज संडे हो, तो अभी सो के उठा एकदम से, और मैंने अमित को फोन मिलाया, इंडियन राइडर अमित को। मैं कहा है भाई, कह रहा भाई पहुंच गया मैं, तो पहले अमित को ले आता हूँ, फिर हम बताएंगे कहाँ जा रहे हैं। मैं अमित और उस्ताद जी तीनों जा रहे हैं, और आज आपकी जो थार है ना, जिसको आप इतना प्यार करते हो थार, तो इसके टायर और अलॉय चेंज कराते हैं, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन कराते हैं। तो बहुत दिनों से सोच रहा हूँ, 10 दिन हो गए, मतलब गाड़ी को आए 3 दिन हुए, लेकिन पूरा रिसर्च चल रहा था। उससे पहले भी मैं टायर अलॉय व्हील सब देखी, वीडियोस देखी, और हमारे भाई अभिषेक, हम देखा होगा आपका उनका चैनल आपने, आई एम अभिषेक कौशिक, उनसे भी बहुत रिसर्च किया, क्योंकि भाई ना ऑफ रोडिंग पर जाते रहते हैं, 250-300 थार का उनका ग्रुप है, तो उनसे भी काफ़ी बातें चली। तो वो कह रहे भाई अगर चाल बिगाड़नी है तो बड़े अलॉय व्हील लगवा ले, और तेरे को अगर गाड़ी ऐसी रखनी कहीं भी ले जा, मतलब रफ टफ, तो ऐसा कर। तो सारी चीज़ों को डिस्कस होने के बाद तो आज फैसला लिया, तो अभी चलते हैं, पहले अमित को ले आते हैं, क्योंकि एक तो वो सोया नहीं है पूरी रात से, और हिसार से अब वो यहाँ आया है, तो उसको पहले ले आते फिर आगे बात करते। चलो से देखो इस चेहरे को, ध्यान से, और चेहरे को खास से देखोगे तो उसने मास्क लगा रखा है। आजा आजा क्या ला लड़के, आजा इधर आजा, चलाएगा नहीं हा? चलाएगा नहीं, आगे मोड़ तक तो ला ला है। अच्छा मोड़ दूले पकड़, कैमरा पकड़ एक बार, आजा। ये गाड़ी अच्छी चलाता है। चलो आ जाओ, आ जा। हाँ मैं 100 का बस उठा ही था, आ जा फटाफट। ये शिमला जा रहा था, मगर शिमला बाद में जाइयो, मैं पहले चलते हैं। कहाँ जा रहे हैं आज बता दो थोड़ा, आज गोल गोल घुमाने। तो दोस्तों हम चलते हैं पीछे, ये यहाँ से क्लिक किया, ये थोड़ा सा ना, ये थोड़ा सा अजीब सा है इसका, और तो सब सही है, ये थोड़ा। अरे वो भी ऐसे आदमी को पीछे को सुना हो गया सेट, तो चलो अब चलते हैं। तो दोस्तों चल पड़े हैं अब, और यहाँ से कोई रास्ता होगा हमारा 2-2.5 घंटे का रास्ता है। तो मैं, उस्ताद जी और अमित, तो तीनों जा रहे हैं, और जो पीछे जो सीट है ना थार की, मैं पहली बार बैठा हूँ आज जब से ली है, बहुत कंफर्टेबल है भाई, मतलब 2 आदमी आराम से आ सकते, 3 आदमी आराम से आ जाएंगे गाड़ी में, 2 आगे और 1 पीछे, क्योंकि ना सामान की दिक्कत हो जाएगी थोड़ी, तो 1 सीट फोल्ड करनी पड़ेगी, ये वाली, इसको फोल्ड कर देंगे तो आराम से आ जाएगा यहाँ पे सामान, क्योंकि पीछे बहुत कम स्पेस है, बहुत ही कम, मतलब 2 छोटे-छोटे बैग आ सकते हैं बस, 3 आदमी कहीं भी टूर मार सकते हैं, तो और ऐसा भी हो सकता है कि कश्मीर से कन्याकुमारी टूर हो जाए आराम से 3 आदमियों का सामान के साथ। क्यों उस्ताद जी, क्या कहोगे? कभी भी कर सकते भाई, तो समझ रहे हो ना, उस्ताद जी ने कुछ हिंट दिया आप सबको, कभी भी कर सकते हैं, तो इसका मतलब समझते हैं, जो समझदार है उन्हें पता है कभी भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज ना टैग ले लेते हैं, क्योंकि कल ना बहुत फटका लगा हमें, क्योंकि बिना टैग के नई गाड़ी है, और उस दिन हम टैग लेने भूल गए शोरूम पे, तो उस्ताद जी सबसे पहले टैग लेंगे, क्योंकि डबल टोल लगता है जहाँ पे जाते हैं, जैसे कि 100 रुपये होता था वहाँ 200 रुपये लगते हैं, और सफर इतने लंबे होते हैं ना हमारे, तो टोल ही कई 1000 रुपये का हो जाता है, इसलिए तो अभी टैग ले लेते हैं, क्योंकि बड़ी दिक्कत होती है।
नहीं टेम्परेरी है भाई, नई गाड़ी है बिल्कुल। एक समय ना ये दिक्कत है कि आगे वाला तो उतर जाता है, जैसे अमित तो उतर के चला गया अब, ठीक है, पीछे वाले का ना सोचना पड़ता है क्योंकि गेट है नहीं यहाँ पे, तो जब सीट हटती है जब ही निकलना पड़ता है, ये थोड़ी सी दिक्कत है। वैसे गाड़ी ओके है, लग गया ना भाई? हाँ जी हाँ, ओके बिल्कुल ठीक है भाई, आपको कोई टेंशन नहीं? हाँ जी हाँ ठीक है, थैंक यू वीरे। तो दोस्तों जैसे ही आप लुधियाना वाले हाईवे पे आओगे ना, आपको राइट हैंड साइड पे दिख जाएगा ये रहा अपना खुला है वेलोसिटी टायर्स, तो यही अपना काम पड़ेगा। और कट बंद कर दिया, आगे से घुमा के लाना पड़ेगा, इसके नीचे से ले ले, तो ये अपनी थार है भाई 18 इंची टायर आते हैं कंपनी से, जो इसका अलॉय है ना वो 18 इंची है, तो 18 में डलवाऊंगा। और वहाँ भी एक गाड़ी खड़ी है मेरे ख्याल से, वो भी 18 में ही है और बहुत सुंदर लग रही है। 18 है ना? तो दोस्तों ये भी ना थोड़ी सी दिक्कत है, मतलब इतनी वैरायटी मिल जाए ना आपको 100 रुपये में, देखो एक मिनट यहाँ से, ये जितना भी दिख रहा है ना आपको, ये सारे अलॉय व्हील सारे, ये तो इतने में भी ना आदमी पजल हो जाता है। वो शॉप में जाते हैं ना 10-5 रखे होते तो आदमी सोचता है यार इसमें से ले ले। अब यहाँ सोचो ना आप, ये देखो, ये देखो अब वीडियो में पता नहीं पूरा है आ रहा है एंगल नहीं आ रहा, लेकिन ये एक फ्लोर है नीचे है, फिर उसके ऊपर भी है, तो पूरे में अलॉय व्हील टायर है। तो ये भाई लुधियाना में है वेलोसिटी टायर्स, तो पूरे में ही टायर और अलॉय व्हील है, मतलब आप आओगे ना आप कहोगे भाई ये फिर 22 है, 22 है 18, ये 20 है, 20 मिल जाएगा। तो ये लगा के देखो, एक ये लगा के दिखा दो, एक इसके पीछे वाला, ये भी अच्छा है ना, ये 22 में मिलेगा। अच्छा वो ये 20 में मिल जाएगा, ये 20 में। और कौन से हैं? सब 20 ही सारा है। अच्छा इधर सारा 20 है, एक वो देख लेते लगवा के फिर। हाँ। एक ये नहीं, ये एक ये देख लेते हैं, ऐसे पसंद है। हाँ ये अच्छा लग रहा है। एक दो, एक ये तीन, ये नहीं सर, नहीं ये नहीं, तो आप बताओ। चलो हमने सिमिलर सिमिलर कर दिया ना, ठीक है, ये भी और ये भी, ये कर सकते, ये बोला हमने, ये सेम ही होगा उसका। ये मैं बताता हूँ आपने क्या करना है, एक ये 5 स्पोक, एक तो हमारा ये 20 का है, चाबी दिया थाली चाबी, ऐसा करते हैं। मैं एक तो ये हो गया, ठीक है, एक तेरा ये हो गया, ठीक है, और एक वो तीन, ये तीन करवा के देख ले, और एक और देख, और कोई देखना है तो और बता दे। नहीं ये ठीक है, ठीक है, एक ये, एक ये, एक वो, एक ये, और एक वो, एक ये। मेरे को लग रहा है सबसे ज्यादा सुंदर ग्रेस पता है किसमें आएगी? मेरे को भी इसमें लग रहा है सबसे अच्छा लगेगा, क्योंकि हमने दिच्चे लगा हुआ देख लिया भाई, क्वालिटी अच्छी है इसकी। प्रॉपर ऑफ रोड रहना ये, अच्छा बने ही ऑफ रोड के लिए, फिर ठीक है, 20 में मजबूत और हो जाएगा ये तो भाई। तीन अलाइविल पसंद किए मैंने, तो उस पे टायर जो मुझे पसंद है तीन, हाँ तीन, मतलब चेंज करवा के देखेंगे। और जो मुझे पसंद है ना वो ये है रडार कंपनी का 285/50/20, ये मेरे को वही पसंद होगा ना, और इसका लुक भी अच्छा हो रहा है। हाँ। और इसकी खासियत क्या है, ये RT है, MT और AT का कॉम्बिनेशन है RT। एक मिनट और दिखाते, तो दोस्तों दो ये टायर और भी है, ये HTS सुनार कंपनी का, ये वॉइस बहुत कम करेगा, इसे भी कहीं ले सकते हैं रोड पे मड में कहीं भी। और ये हमारा HP, ये HP, ये HP, ये HT, ये HT, तो ये HT है, लेकिन ये सिर्फ रोड के लिए है, लेकिन वॉइस तो नहीं करेगा, लेकिन खाली रोड का करेंगे क्या, क्योंकि थार का मतलब क्या है कि कहीं भी ले जाओ। तो ये दोनों डलवा के देखता हूँ, ये और ये, उन अलॉय व्हील के साथ, फिर बताना कैसी लग रही है। चलो तो दोस्तों एक डिफरेंस दिखाता हूँ, देखो दोनों मतलब सेम कलर है, ठीक है, और कितना डिफरेंस आता है बिना अलॉय व्हील और अलॉय व्हील से, साथ में खड़ी दोनों गाड़ी, ठीक है देखना। तो ये डिफरेंस है आपके सामने है, सेम कलर है, ठीक है, दोनों का बिल्कुल सेम, सिर्फ
तो ये पहले दिख रही है अपनी थार बिना काम के अभी कुछ। और इसको जानते हो आप, इसको ये लड़का ना, ये इसको जानते हो? जानने की जरूरत नहीं है भाई, सीधा खड़ा सीधा भाई जा रहा था, टी शर्ट पहन के जाता है, कह रहा है अरे दीवानो मुझे पहचानो कहाँ से आया मैं हूँ कौन है? तो सुन, हिसार से आया मैं हूँ डॉन। मैं उस्ताद जी, कौन सा पसंद आया आपने? भाई इतने बड़े शोरूम के अंदर और इतनी वैरायटीयां देखने के बाद में बड़ा सस्पेंस। कितना कितना होगा जी, कितना स्टॉक रखा हुआ अंदाजा होगा भाई? कम से कम भी 2000 प्लस। 2000 प्लस अलॉय व्हील्स रखे होंगे तो उसमें से एक सेलेक्ट करना ना, वो कहते हैं 100 नंबर के पेपर में ठीक क्वेश्चन करके 99% नंबर लेना बड़ी मुश्किल हो जाए। वो काम ये हो रहा है कि भाई सिलेक्शन कौन सा किया जाए, कोशिश जारी है और आप लोगों का प्यार से जरा बहुत ही अच्छा सिलेक्शन होगा, मजा आएगा सबको। और जैसे अभी जब वीडियो स्टार्ट हुई थी ना, कुछ कहा था कि कोई एक बड़ा टूर देखने को मिल सकता है, तो उस्ताद जी फिर एक बार हिम्मत दिखाएंगे। वो कभी भी हो सकता है। समझ रहे हो ना? तो समझ गया, कमेंट करके बताओ वो कौन सा टूर होगा। ये एक वो थार होगी जो हिंदुस्तान में वहां तक चलेगी जहां तक रोड होंगे, समझ गए ना? क्या हाल है भैया? बस संडे तो फैमिली डे होता है, हमने भाई का दिन ले लिया। भाइयों के लिए कुछ नहीं। तो दोस्तों दोनों सेट हो चुके हैं, एक बार एक गाड़ी काट ले अपनी, अभी देखते हैं इसको। देखो ये एक तो ये ना, ये जब से आया मान नहीं रहा, शूट पे शूट किया जा रहा है वीडियो को जबरदस्त। अब बताओ उस्ताद जी, कोई बीट नहीं कर सकता भाई। ये तो मतलब ऐसा, मैं आपको पता नहीं कैसा लग रहा है, लेकिन जो आंखों से देख रहा है ना इसे, वो देखता ही रह जा रहा है सीरियसली। मैं वो बात करूंगा जो बिल्कुल जेन्युइन है। देखो ये नहीं कि थार अपनी है तो इसलिए ऐसे कहूंगा, नहीं कोई मुकाबला नहीं सलाई बिल्कुल। और एक सबसे बड़ी बात यह है, जब चलेगा ना ये तो आपको घूमता हुआ दिखेगा, ये जैसे उल्टा पंखा चलता है ऐसे। दिखा देता हूँ ऐसे, मतलब वो आगे वाला टायर ऐसे दिखेगा चारों में, ये इतना आएगा। और वॉइस बिल्कुल नहीं। रमन भाई क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो फिर हम साथ ही बताएंगे आपके। बताओ बताओ भाई, जो अच्छी तो जेन्युइन बात होती है ना, वो दो ही होती है, तीसरी तो जबरदस्ती नहीं, हमें तो ये करना है, वो तो फिर हो गया प्रेशर और जिद। और जो भाई ने बातें बताई है ना, वो एक नंबर बातें हैं, जेन्युइन बातें हैं, और वो इतने ही लिमिटेड बात करते हैं, बाकी तो भाई तुम्हारी मर्जी है। मर्जी है करना हो करो। सीधी सी बात है, आगे तुम्हारी मर्जी। क्लास में टीचर कहते हैं ना, मतलब 1+1 2 नहीं सर 11, मतलब भाई फिर तो तू अपना हिसाब लगा ले। बाकी भैया ने शौक था इसलिए इतना ज्ञान है भैया को, बिल्कुल शौक के बिना कुछ नहीं। देखो ज्ञान वहाँ होता है जहाँ डेली की कस्टमर डीलिंग होती है, बिल्कुल। और हर तरह पब्लिक डीलिंग के अंदर क्या होता है, 4 यस करने वाले होते हैं और 2 जो है ना नो, तो क्या हो गया 6 हो गए ना, 6 में से डिवाइडेड बाई 3 है, फिर भी वोट ही नहीं की जा रहा है। ठीक है ना, बिल्कुल। तो ये बात भाई बहुत अच्छा। नहीं नहीं सीरियसली, मतलब देखो काम तो आप कहीं से भी करा लेना, जहाँ से आपका मन करे, लेकिन ना आपको यहाँ के फील आएगा कि हाँ मैं सही जगह पे आया हूँ। मतलब आपको जो जेन्युइन बात है वो बताई जाएगी। मैं पहली बार आया हूँ लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे रमन भाई से, हाँ मैं आता रहता हूँ, क्योंकि बात करने में बिहेवियर में और चीज़ का तो मैं क्या बताऊँ मुकाबला। छोड़ा ये सामने देख लो, ये पहले वाला टायर है और ये अब है। रुक 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 भाई, अब देखो ये देखो, ऐसा लग रहा है पोली हो गया राइट वाला। और ये टायर क्यों, मैं वो गिट्टी वाला भी टायर लगवा सकता हूँ, इसमें वॉइस नहीं आएगी बिल्कुल भी, वाइब्रेशन नहीं है ये, ना सेमी ऑफ रोड है, ऑफ रोड भी करेगा, ऑन रोड भी करेगा, हर जगह जाएगा। मतलब ये एचटी है, एचटी ना एचपी, ये ध्यान नहीं है। हां मतलब जो सबसे बेस्ट टायर बताया, आप ऑन रोड ऑफ रोड कहीं चलाओ और आवाज तो वाइब्रेशन भी देगा रोड पे और आवाज भी देगा, जो फेंक जाना। हां फेंक जाना, कह दी भाई 2 साल बाद ही फेंक जाना। जो गिट्टी वाले टायर है ना वो वॉइस करते हैं, देखो
क्योंकि कहने में तो देखो मैं लगवा लूं पैसे देने मेरे को तो ठीक है। मैं बताता हूं, आप जब भी ब्रिज पे क्रॉस करोगे ना वहाँ पे जॉइंट छोटे जाते हैं, जब आपकी गाड़ी करते हैं कट 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 तो हर टायर में कट 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 है, तो वहां तो करेंगे ऑब्वियसली। और पता कैसे कर, आप गाड़ी चला रहे हो ज्यादा वॉइस आती है ना तो इरिटेट हो जाते हैं बहुत, क्योंकि देखो आप वीडियो देख रहे हो आपको मजा आ रहा है भाई, वीडियो बहुत अच्छी है, लुक बहुत अच्छा है, लेकिन जो चला रहा है ना, क्योंकि लॉन्ग टूर होंगे, अब इंडिया टूर बातों में तो होगा नहीं, क्यों भाई इंडिया टूर का मतलब है एक से डेढ़ महीना घर से बाहर, तो भाई कितनी आवाज सहेंगे, समझो ना, फड़फड़ा रहे, समझ रहे हो ना, तो जो लुक आता है ना वो इस टायर में आता है, दिखावा वो कहते हैं ना, दिखावा है, वो दिखावा है वो इसमें, लेकिन ये आवाज बहुत करेगा क्योंकि गैप है ना भाई, तो ऐसे टायर का भी क्या करेंगे जो आपको इरिटेट कर दे लंबी दूरी में, तो टायर होना चाहिए जो सुख सुविधा भी पूरी करे और काम भी पूरा आए। ये और तीसरा तैयार हो रहा है, ये रहा ये टैंक का टायर है। तो भाई कितनी बड़ी बात है, मतलब रमन भाई ने अपनी गाड़ी की चाबी दे दी, कह रहा भाई मेरी गाड़ी का टायर अलॉय व्हील चला के चेक कर लो, क्योंकि बाद में ना फिर वो आवाज आएगी जैसे मैंने आपको बताया वीडियो में अभी, क्योंकि हमारे मन में ना यार वो गुंडी अटक रही है, बट स्मूथनेस वो देगा, तो देखो क्लियर कर रहे हैं अभी, तो इस पे ना ये सेम कलर है, सेम टायर है, सेम अलॉय व्हील, इस पे क्लियर कर लेते हैं, तो मतलब ये बहुत बड़ी बात है, कौन नहीं दिखाता, बोलते भाई सामान ले पैसे दे और निकल ले, क्यों हर जगह यही होता है, कोई अपनी गाड़ी दिखाता कि भाई चला के देख लो आपको कंफर्टेबल लगे ना लगे, तो ये टायर है यही लाए भी ना वो, वाह। तो भाई रमन भाई की गाड़ी में अब ट्राई ले रहे हैं कि कितनी आवाज करती है, मतलब कैसे आवाज इन टायरों में, तो क्यों भाई हाँ एसी का फ्लो कम करेंगे ताकि पता लगे, क्यों आवाज मेन आवाज चेक करनी है हमें कितना इरिटेट करती है, तो अभी पता लग जाए करती है नहीं करती है क्या होता है, चीज दिखा रहा हूँ मैं ना, अभी टायर देख रहा था, मेरे को लगा दूसरी गाड़ी का है क्या, तो लगा रहे अपनी का ही है, तो ये देखो तो मैं देख रहा हूँ दूसरी गाड़ी का टायर इतना पास कैसे आ गया, ये तो अपनी गाड़ी का टायर है भाई, छोटा दिख रहा है इधर से, पूरी धूप है इसमें, उस साइड से दिखाता हूँ, लेफ्ट साइड दिखा, उस साइड से देख, कैमरा मत, कैमरा नहीं, देखो कितना बात है, तो दोस्तों अभी स्पीड दिखा देता हूँ, कितनी स्पीड है भाई 20 पे गाड़ी चल रही है ना, जंप ले रही है, डिग 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 डिग, ये गिट्टे वाले है ना जो आपको, तो मतलब महसूस हो रहा है कि यार मतलब फील नहीं है, देखो मैं तो वो बात बताऊंगा जो जैन वाला, क्योंकि मैं गाड़ी में बैठा हूँ उसी गाड़ी में, रमन भाई ने खुद अपनी चाबी दी और स्पीड देख लो, ये तो 20 पे चल रही है, और ऐसा नहीं है कि 20 पे चलेगी भाई, दिल्ली 100 पे भी चलेगी, हाईवे पे 80 पे भी चलेगी, उससे ऊपर भी चल सकती है अगर हाईवे अच्छा है, जब पुणे का हाईवे है, तो यार 20 पे इतनी आवाज करे तो कैसे चलाते हैं लोग, अमित ये क्या कहना चाहेगा भाई, मैं भाई से ही पूछ लेता हूँ कैसे चलाते हो भाई, ये बस शौक बस के लिए, काट कम काट कम काट कम काट कम लगती है ना, शौक के लिए बस, ये डर बस, ये बस चलाने के लिए शौक के लिए, तो भाई अपने को तो ठीक है शौक पूरा करना है, लेकिन मतलब आवाज नहीं आनी चाहिए गट गट बट तभी तो सुना डाल के दे रहे हैं, हाँ इरिटेट सुना डाल के दे रहे, बिल्कुल अपनी भी मस्त लग रही है, एक मिनट रोकिए यहीं पे देखो जनता क्या कहेगी, जबरदस्त बैक, क्या बोलती है क्या बोलती पब्लिक, क्या बोलती है, बजा रहा हूँ मैं भी, गलती होगी नहीं हमारी, मुझे निकल रमन भाई गलती होगी मेरे मुंह से निकल गई, वो वीडियो ना रहे भैया मेरे मुंह से निकल गई, फैल हो गए साथ, सिर्फ 20 की 20 की स्पीड पे हल्ला है, थोड़ी देर पहले भाई के साथ मैं बाहर खड़ा था, आप लोगों से बताया था ना, चार और दो छह होते हैं, सिर्फ 20 चार, चार कहते हैं यस, दो कहते हैं नो, अगर 50 करे तो तीन, फिर भी भाई का प्लस है, सिर्फ लुक के लिए ना, लुक के लिए, देखो मेरी गाड़ी 20 किलोमीटर चलती है, 10 किलोमीटर घर से आना जाना, वो मैं चला सकता हूँ भैया, 20 पे आपको महसूस होगा भैया, 20 पे फील हो रही है ऐसे, हमने भगाई नहीं, सिर्फ 20 पे ऐसे हिल रही है, ऐसे लग रहा था दम दम, मैंने तो भाई को बोला ना, मैं एक स्टेट नहीं निकाल पाओगे और वापस आओगे, उसके बाद भी इसको बदल ले, और वो बदला नहीं जाएगा, क्यों मैं टायर एक बार डाल दूं भाई, मैं उतारता नहीं हूँ, क्योंकि अगर वो उतार दिया तो डालना कैसे, किसी आप जैसे कस्टमर को डालना पड़ेगा, तो उसमें मेरी गलती है, 20-20 पे तेज चलाना, ऐसे तेज में तो पता ही है, गाड़ी अच्छा,
सुन लो भाई, भाई हमें हमने भाई को नहीं बोला वीडियो में कुछ बोलने के लिए। ये आपके जलंधर है हरमन हरमन का, ये इन सब थैंक यू भैया, थैंक यू थैंक यू। नहीं भाई मेरा मुंह से निकल गई गलती हो। तो दोस्तों अभी काम चल ही रहा है, इतनी सुंदर लग रही है थार, क्या बताऊं मैं, देखो जबरदस्त। अभी वीडियो में कम लग रही है लेकिन रियल में तो बहुत सुंदर लग रही है पास से। ब्रांड चेंज करवा दिया, रेगुलर हो गई। और टायर ऐसे लग रहे हैं, उस्ताद से पूछते हैं क्या कहोगे उस्ताद जी। अभी 15-20 मिनट के बाद बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद आपको लुक दिखाएंगे। अमित उनका क्या कहना चाहेगा, गिट्टी वाले टायरों के बारे में क्या कहना चाहेगा? बन्नो चल लेते जिस तरह नाले को के चल ले गाड़ी। दुखी हो गया? मैंने समझाया था, मजा ना आया। मतलब शुक्र है दिल में मलाल रह जाता नहीं, चला के देगा। नहीं मतलब दिखने में अच्छी लग रही थी लगाने में, लेकिन जैसे 20 की स्पीड में चलाई, सिर्फ 20 पे, ज्यादा भी नहीं। और क्या हुआ उसके बाद फिर? ऐसे लगा जैसे नाली पे चलने लग रही है, मतलब ऐसे ऐसे गट 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 गट। बहुत दुखी हो गए, बहुत ज्यादा। मतलब 20 की स्पीड में चलाई हमने, मैं कहा भाई इसे उतारो, गलती हो गई मेरे से, वो मेरे मुंह से निकल गई, भैया मुझे माफ कर दो, वो वाली बात हो गई। तो मैंने आया, मैंने भाई की सीधी गाड़ी की चाबी दी, क्योंकि ना एक तो दुखी हुई चीज हो, देखते हम अरे वाह, तो इंसान जो चलाता है उसे ज्यादा पता लगता है। मैं देख के मैं मन करा, मैं करवाता हूँ, भाई बोले मैं मेरी गाड़ी चला के देख ले। मैंने भाई की गाड़ी चलाई तो बात हो, तो हमारे यहाँ कहावत है कि अपने सीट को ना कोई खट्टा नहीं बताता, तो मेरे को भी अच्छा लगा क्यों, और मैं लगवा लेता तो मैं भी कहता वीडियो में अरे भाई एक नंबर, वाह बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन जब चला के देखी तब पता लगा, और अब ना गाड़ी दिखने में भी इतनी सुंदर और चलने में चाल ही एक नंबर हो गई गाड़ी की। और मेन चीज़ ना चाल ही होती गाड़ी, कहीं भी जाना पड़े कभी भी एनी टाइम कहीं भी। तो काम चल ही रहा, अभी टायर देख लो कितना चौड़ा है, अभी इसमें पता नहीं वीडियो में कैसा दिख रहा है, रियल में बहुत चौड़ा है। अब अमित क्या कह रहा था, अब दिखेगी? अभी तो साइकिल चला रहे थे, अब भूसा वाला टायर लगवा। कह रहा था साइकिल चला रहे थे, तो दोस्तों ऐसे दिख रही है, देखो पीछे से देखो थोड़ा ही। लग रही है जबरदस्त। और एक और बात, जब ये गाड़ी चलेगी ना तो ये घूमते हुए दिखेंगे, जैसे उल्टे ड्रम होते हैं तो घूमते दिखेंगे टिक 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 चलती हुई में। तो दोस्तों अभी मैं गाड़ी को पास से देख के आया, अभी वीडियो देखी ना आपने, मस्त लग रही है। और मेरी ना सबसे बड़ी गलती होने से भाई ने बचा लिया, वो सबसे बड़ी गलती है, क्या कहना चाहोगे आप उस पर? देखिए भैया अक्सर आपकी गलती नहीं, हम लोग लुक्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं और हमारे पास लोग आते भी लुक्स के लिए, तो वो ज़रूरत होती है, लेकिन ये हमारा काम है और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको गलत काम ना करने दें। नहीं करेंगे अच्छे कम्फर्टेबल रहेंगे आप, हमेशा हमारे पास आते रहेंगे, नहीं तो इरिटेट होकर कोई भी नहीं आएगा। नहीं नहीं मेरे को सबसे अच्छी बात भाई की है, लेकिन जो जायज़ बात थी उन्होंने बताया, मैं कहा नहीं फिर भी मैं वही लगाऊंगा, तो भाई ने ना यहाँ पे चाबी रखी हुई थाली में, वो रखी, तो भाई ने चाबी दी, बोले चाबी लो चला के आओ और फिर बताओ। तो हम गए, तो अमित भी कर रहा नहीं यार अच्छे लग रहे हैं, चल ले लगवा लेते हैं। तो हमने 20 की स्पीड पर थोड़ी दूर गए, भाई गलती हो गई, वो देखा था ना आपने, तो मेरे मुँह से निकल गई, तो गलती हो गई। तो हम भी यही चाहते हैं कि कोई गलती ना करे, लेकिन फिर भी अगर कोई करेगा तो वो उसकी मर्जी, क्यों रमन भाई? लेकिन आपको ना एक बार मैं कहना चाहूँगा, आप कहीं से भी काम करें आपकी मर्जी, लेकिन एक बार वेलोसिटी टायर लुधियाना जरूर आए एक बार, और आके ना एक बार विजिट करें। पहली बात तो आपका मतलब आते ही ना दिमाग चकरा जाएगा, ऊपर गया मैं तो मैं कहा यार क्या पसंद करें, और इतनी वैरायटी, मैं कहा मतलब पसंद क्या करें इसमें, तो ये भी एक टास्क है कि इतनी वैरायटी, आप कहोगे यार इतनी वैरायटी भी होती है, मैं तो पहली बार इतनी बड़ी शॉप देखी। भाई एक धोखा है, आके जा नहीं पाओगे ऑफिस। ये भी सच है उस्ताद जी, क्या कहना चाहोगे? भाई जो मेरे मुंह की थी वो तो बात कह दी बच्चे ने, कि अगर गलती से तुम आ गए तो यहाँ से लेके जाओ, क्योंकि अभी मैं आया बिना गाड़ी गया, अगली बार मैं गाड़ी लेके आ रहा हूँ, अमित भाई को लेके आऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, अभी आपको गाड़ी दिखाते हैं, चलो फिर मिलते हैं अभी। तो दोस्तों मैं तो गाड़ी देखने आया था, वो गाड़ी घुमा रहा है वहाँ, जबरदस्त लग रही है गाड़ी, जबरदस्त। एक नंबर। कैसा फील आया? मैं तो क्या, तेरे को देखने में कैसा फील आया? मुझे तो वैसा ही है, मुझे तो देखने में मजा आ गया।
भाई अच्छी भी लग रही है, आप लग रही है थार है, अच्छी चॉइस है ना, ऐसी तैसी करा के सब एक नंबर आर पार आर पार। भाई मेरे को नहीं पता वीडियो में कैसी दिख रही है दोस्तों ये, लेकिन रियलिटी में ना जबरदस्त, क्योंकि अब पता नहीं ये चौड़ाई कैसी दिख रही है, काफी चौड़े टायर हैं ये, अब आपसे पता नहीं कैसे दिख रहे हैं, काफी चौड़े हैं, देखो ये देखो इधर यहाँ कर ले फ्रंट पे लो, अंदाजा देख लो अब कितना बार, इतना बार है टायर, बाकी वो टायर तो बहुत ज्यादा बार है, हाँ। वो ऐसा लगता है किसी और ही का गाड़ी का टायर चल रहा है, हमारा नहीं, उसका तो टायर काफी ज्यादा बार है, बहुत ज्यादा रिस्की है, उसका ऐसा लगता है जैसे किसी और गाड़ी का टायर जाऊ बाहर, बहुत ज्यादा रिस्की है, बहुत रिस्की भी और चलाने में भी दिक्कत उसे, हाँ बहुत ज्यादा, लेकिन ये ना ये तो बेस्ट है। और भाई मैं ना खुद पर्सनली कह रहा हूँ, जो वेलोसिटी टायर है ना, मतलब काम भी जबरदस्त है और इंसान भी जबरदस्त है, इनके ओनर है नमन भाई, भाई अल्टीमेट इंसान है, क्या बोलना चाहेगा भाई, भाई मैं तो फैन हो गया वैसे वीडियो में, पता लगता था जेन्युइन टी, हाँ बट यहाँ के, लेकिन जो भी सलाह देते हैं बिल्कुल जेन्युइन देते हैं, मैंने इनकी वीडियोस देखी हैं, लेकिन इनकी जो खासियत है ना यही है, इन्होंने मेरे को दो बार कहा, क्या बोला भाई अमित टायर के लिए, क्या बोला भाई, कोई डरवा लो बट मजा नहीं आएगा, मजा इसी में आएगा, हाँ तो सच्ची बात है, और ये चीज काफी अच्छी लगी मेरे को बाइक, जो बिल्कुल जेन्युइन बात है ना वो पहले ही बता दी उन्होंने, तो अब चलते हैं, स्पीड देख लो गाड़ी कितनी अमित, 120 पे चल रही है, ठीक है रुको यहाँ दिखा देता हूँ, और गाड़ी आपके सामने है, ठीक है 112, ठीक है, और गाड़ी बिल्कुल आपके सामने है, कोई आवाज नहीं है गाड़ी में, वैसे ही है जैसे स्टॉप, हाँ तो ये होता है काम, क्यों भाई अमित, बिल्कुल दोस्तों आप देखो टायर, ये उस्तादी फोटो खिंचवा रहे हैं, तो भाई जबरदस्त लुक आ रहा गाड़ी का, अमित क्या कहता है, बता बता जल्दी कैमरा बता, वहाँ तो कुछ भी नहीं था, यहाँ है रियर, मतलब कैसी लग रही है भाई, ब्यूटी, पप्पी ले ले इसकी टायर होगी जल्दी से भाई, प्लीज इसको बोला भाई कैसी लग रहा है, ब्यूटी, मैं पप्पी ले ले टायर होगी जल्दी से तो फ्रंट से कुछ ऐसा लुक हो गया थार का, सारे फैल है इसका, सब फैल है, मैंने काला एलॉय कसम खा के बताया बात, बाकी कहीं सोच रहे मैं बुलवा रहा हूँ वीडियो में, वहाँ की सुबह ये बात जबरदस्त लग रहा है सच में। तो दोस्तों मैं बहुत खुश हूँ, ना तो गाड़ी में आवाज है, तो स्टेबल बिल्कुल वॉइस स्मूथनेस है गाड़ी में, और दिखने में भी इतनी सुंदर लग रही है, तो दोस्तों और आप बताओ कैसी लगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, माता पिता से प्यार करें, देश से प्यार करें, सेहत का ध्यान रखें, और एक और बात जो थोड़ा बहुत काम है गाड़ी का वो बाद में करा लूँ, क्योंकि आज लास्ट संडे था और इतना ही काफी, फिर मेरे को एक्सरसाइज भी करनी होती है, डाइट भी लेनी होती है, क्यों वैसे भी टॉप मॉडल है, और थोड़ा थोड़ा करा लें काम, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, माता पिता से प्यार करें, देश से प्यार करें, सेहत का ध्यान रखें, चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत दोस्तों।